सो यूके में एक शॉकिंग न्यूज अब फिर से आ गई है और ये है यहाँ के होम मिनिस्टर को लेके। तो अगर आप यूके की न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अभी मंडे को यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है उन्हें निकाल दिया गया है कैबिनेट से और अब यहाँ पे नए होम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं। अब ये न्यूज आपके लिए या मेरे लिए जो कि यहाँ के इमिग्रेंट्स हैं या यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हम इस पूरी वीडियो में यही बात करने वाले हैं और कुछ अपडेट्स हम अपने एंड से भी आपको देंगे और हमें क्या लगता है हम पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। बट उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं और यूके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि आप अगर प्लान कर रहे हो यूके आने का तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। कि वन टू वन सेशन अगर आप हमसे लेना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वीजा रिलेटेड या आप रिज्यूमे बनाना चाहते हो, कवर लेटर बनाना चाहते हो, वन टू वन सेशन आप बुक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी 30 नवंबर 2023 को सुला ब्रेवमैन जो कि यहाँ की होम मिनिस्टर थी उन्हें निकाल दिया गया है और नए होम मिनिस्टर यहाँ पे आ गए हैं। तो इनकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में बात करें, सुला ब्रेवमैन यहाँ पे अभी रीसेंट जब न्यू गवर्नमेंट बनी थी तब वो यहाँ पे एज अ होम मिनिस्टर अपॉइंट हुई थी। पहले वो यहाँ के जो पहले की पीएम थी लिस ट्रस्ट उनके कैबिनेट में थी, उसके बाद में जब ऋषि सोनक पीएम बने तो उनके साथ में भी इनको होम मिनिस्टर में कैबिनेट में ले लिया गया था। तो ये थी उनकी शॉर्ट सी हिस्ट्री जिसमें उन्होंने यूके गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। बट मेजर पॉइंट, और अगर आप यूके की न्यूज फॉलो कर रहे हो तो उसमें ये था कि इनका मेजर फोकस था इमिग्रेशन को कट करना, क्योंकि इन्हें यह लगता था कि माइग्रेंट यहाँ पे काफी ज्यादा है और अनस्किल माइग्रेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं यूके में। तो उनका हमेशा से जितने भी टाइम उन्होंने यहाँ पे सर्व किया उनका यही मोटो था कि वो कैसे भी अपने नेट माइग्रेशन के नंबर को वो लोअर डाउन कर ले, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जिसमें से सबसे बड़ा और मेजर रिफॉर्म उन्होंने किया जहां पे उन्होंने ये बोला कि January 2024 से स्टूडेंट वीजा के साथ में कोई भी डिपेंडेंस नहीं आएंगे। तो अब ये जो चेंज है, जो भी उन्होंने चेंजेस लाए थे अपने पीरियड में, वो सारे चेंजेस अभी भी कंटिन्यू होंगे। तो ये अपडेट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी अभी तक ऐसी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट नहीं करी है कि जो भी चेंजेस हुए थे इंक्लूडिंग कि स्टूडेंट वीजा के साथ में जो डिपेंडेंट वीजा होल्डर्स आते थे वो नहीं आ पाएंगे, ये अभी भी ट्रू है। January 2024 से जो भी लोग यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट वीजा पे उनके साथ में डिपेंडेंस अभी नहीं आ पाएंगे। अब जो नए होम मिनिस्टर आए हैं वो आगे डिसाइड करेंगे कि आगे क्या उनको प्लान ऑफ एक्शन लेना है, बट जो रूल्स यूके में एज अ पार्लियामेंट पास हो चुके हैं वो अभी भी होल्ड करेंगे एंड वो ही आगे कंटिन्यू होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि हम लोगों को समझने की जरूरत है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑन अ पॉजिटिव साइड सोचो कि ये क्या ये अच्छा हुआ है या क्या ये बुरा हुआ है, तो मैं कोई आपको डेफिनेट आंसर नहीं दे सकती कि ये बहुत गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, क्योंकि काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पे आना चाह रहे हैं या फैमिलीज को लेके आना चाह रहे हैं उनको लग रहा है कि अब ये रूल्स हटा दिए जाएंगे तो क्या पता ये गुड न्यूज है कि अब वो उस पोजिशन में नहीं है और जो नए होम मिनिस्टर हैं वो अब डिपेंडेंट वीजास को भी आने देंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब ये बैड न्यूज है क्योंकि अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन माइग्रेशन को लेकर नहीं लेगा तो यूके में फिर से बहुत ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स आ जाएंगे। तो माइग्रेंट वर्कर्स को होल्ड करना, माइग्रेंट वर्कर्स को एक तरीके का बैन लगाना भी इंपॉर्टेंट है। तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है टू अंडरस्टैंड कि ये गुड है या बैड न्यूज है, बट मोर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये समझना है कि क्या अब जो नए होम मिनिस्टर आए हैं वो उनका क्या टेक है स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ इमिग्रेंट्स, अब वो क्या ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे देखना। अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है क्योंकि उनको अभी अभी वो रिसेंटली 13 नवंबर को ही अपनी पोजीशन पे आए हैं, तो ही विल टेक सम टाइम, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या अब वो स्टेप्स हैं जो उन्हें आगे लेने चाहिए। बट हमें पर्सनली ये लगता है कि अभी जो भी चेंजेस सुला ब्रेवमैन ने किए थे वो अभी भी कंटिन्यू होंगे, एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स वो चीज कंटिन्यू होगी एंड मे बी डाउन द लाइन फिर जो नए होम मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं ये कंसिडर कर लें कि हाँ अब ये चेंजेस मैं हटाना चाह रहा हूं और मैं नए चेंजेस यहाँ पे लाना चाह रहा हूं। बेस्ट होगा कि हाँ वो डिपेंडेंट वीजा को भी अलाउ कर दे स्टूडेंट वीजा के साथ में, बेस्ट होगा कि कुछ नए टाइप के वीजाज आ जाए जहां पे लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिल सके यूके में आने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कम हो जाए इन टर्म्स ऑफ कि स्पॉन्सरशिप मिलना इजी हो जाए लोगों के लिए,
एंड वी आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द न्यू होम मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली. तो अब हम भी वेट करते हैं और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा हम आपको डेफिनेटली इस चैनल पे शेयर करेंगे. बट हमारे लिए अभी ये गुड न्यूज है कि यूके में आप अगर देखो तो यहाँ पे पार्लियामेंट में कुछ भी चेंजेस कभी भी हो सकते हैं. जैसे कि हमने देखा था एकदम से ही स्टूडेंट वीजा के चेंजेस आ गए थे, एकदम से ही यहाँ पे कैबिनेट में से किसी को हटा दिया जाता है, एकदम से कोई भी नया अपॉइंट हो सकता है. क्या पता फिर से सुला ब्रेवमैन फिर से वापस आ जाए किसी और पोजीशन के लिए या होम मिनिस्टर के लिए. यहाँ पे ये चेंजेस काफी इजीली हो जाते हैं. दूसरी गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं होता है, जितना हमें पता है हमारी नॉलेज के हिसाब से इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं आता है, बट यूके में ये पॉसिबल है. तो इसीलिए इसको हम गुड न्यूज इसलिए बोलेंगे कि इससे ये अगेन प्रूव होता है कि यूके में डेफिनेटली शॉर्टेज ऑफ लेबर है, यूके की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है तो लोग यहाँ पे आना भी चाहते हैं. तो ए फॉर स्टूडेंट वीजा, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली आई एम श्योर गवर्नमेंट कंसिडर करेगी, क्योंकि यहाँ की अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख रहे हो जो यहाँ की एजुकेशन बॉडी है वो खुद चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, क्योंकि वो यहाँ का रेवेन्यू काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं. जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ का रेवेन्यू बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे जो भी छोटी जॉब्स हैं, जो भी पार्ट टाइम जॉब्स है वो भी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ लेबर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कवर कर ले रहे हैं. मोर ओवर कभी कभी और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हाँ अनस्किल लोग आ जाते हैं जो कि डिपेंडेंट हो जाते हैं यहाँ के एनएचएस एंड ऑल पे, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था. बट अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो क्या पता कि ये चेंजेस फिर से आ सकते हैं और हो सकता है कि जो नए होम मिनिस्टर हैं वो ये चेंजेस को समझे और इसकी इंपॉर्टेंस समझे. जैसे मैंने बोला शॉर्टेज ऑफ लेबर डेफिनेटली है, यहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, यहाँ पे जॉब्स भी निकलती है, बट कई बार ऐसा होता है कि लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती, लोग दूसरी कंट्री से नहीं आ पाते. तो हमारी उम्मीद जो नए होम मिनिस्टर है उनसे ये भी है कि क्या पता वो ये जो वे है लोगों का स्पॉन्सरशिप मिलना, लोगों का यहाँ आना, या ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे है उनको जॉब्स नहीं मिल रही तो उनके लिए स्पॉन्सरशिप के लिए वो कैसे रिक्रूटर्स को या कंपनीज को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अब हमारे लिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना. तो लेट्स वेट एंड वॉच, हम आपको अपडेटेड रखेंगे कुछ भी नया अपडेट जैसे ही हम होम मिनिस्टर की तरफ से सुनेंगे. बट हमारा मैसेज आपके लिए, अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो इतना ही है कि आपको हताश होने की जरूरत नहीं है. ये एक बस एग्जाम्पल है आपके सामने कि यूके में कभी भी कुछ भी हो सकता है. आप अपने जो भी डिसीजंस हैं एकदम तुरंत मत लीजिए, थोड़ा सा वेट करिए. और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूके के लिए वेट करते रहो, हम कई बार अपनी वीडियोस में बोल चुके हैं बहुत सारी और कंट्रीज हैं जहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज यूके से भी ज्यादा मिल सकती हैं एट करंट टाइम. तो आप वो कंट्रीज को भी एक्सप्लोर करो अगर आपका मोटो है कि आपको अपनी कंट्री से निकलना है और बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर करना है, पढ़ाई करनी है या काम करना है. तो दूसरी कंट्रीज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो और यूके के जो भी अपडेट्स हैं उनके लिए वेट कर सकते हो. क्या पता कि आने वाले टाइम में हमारे लिए और अच्छी न्यूज आ जाए और हम आपके साथ में वो शेयर कर सके. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब. एंड कोई भी क्वेश्चन या कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो. और हमने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि 1-to-1 सेशन अगर आप हमसे लेना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वीजा रिलेटेड, या आप रिज्यूमे बनाना चाहते हो, कवर लेटर बनाना चाहते हो, 1-to-1 सेशन आप बुक कर सकते हो. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वी विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून. टिल देन टेक केयर, बाय.